देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी के बायोपिक पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, 11 तारीख को रिलीज होनी थी फिल्म। प्रियंका ने अपने बच्चों संग ली सेल्फी, सोशल मीडिया पर हुई वायरल। नामांकन के बाद बोले राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार ने राफेल में चोरी की। शीला दीक्षित के घर पहुंचे कांग्रेस नेता अहमद पटेल। पीएम मोदी बोले अगर आज सरदार पटेल होते तो वो कांग्रेस के ढकोसला पत्र को स्वीकार नहीं करते। दिल्ली में चलती मेट्रो के आगे कूदकर बुजुर्ग ने की आत्महत्या, मची अफरा तफरी। राहुल गांधी बोले मोदी मेरे परिवार के सदस्यों को जो चाहे बोले पर एक बार मुझसे बहस करे। पाक पीएम के बयान पर बोले केजरीवाल, सभी भारतवासी जान ले मोदी जी जीते तो पाक में फूटेंगे पटाखे। सरकारी नौकरी और ठेके दिलाने का झांसा देकर करोड़ों लूटा था एमबीए डिग्री होल्डर, गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का पूर्व सिपाही और प्रेमिका गिरफ्तार, हनी ट्रैप में फंसा कर हड़प लिया था 15 लाख का सोना। वीवीआईपी सीट पर कड़ा मुकाबला, गठबंधन से भाजपा को मिलेगी कड़ी टक्कर। राफेल पर फैसला आते ही बोले केजरीवाल, आज साबित हो गया मोदी जी ने देश की सेना से धोखा किया। 1984 सुल्तानपुर सिख दंगा में सज्जन कुमार के वकील का आरोप, गवाह से बयान बदलवा रही सीबीआई। आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में यासीन मलिक गिरफ्तार, 22 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेजा। दिल्ली में फिर से चढ़ेगा गर्मी का पारा, 11 को चल सकती है धूल भरी आंधी। अकबर मानहानि केस में पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का आरोप तय, खुद को बताया निर्दोष। रोशन नगर में पत्नी से नाराज इंजीनियर ने लगाई फांसी, मरने से पहले की थी वीडियो कॉल। जेवर में प्रस्तावित नोएडा एयरपोर्ट की जमीन से जुड़ी किसानों की याचिका खारिज होने से सकिरे हुए प्रॉपर्टी डीलर। नोएडा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चेकिंग के लिए रोका तो पुलिसकर्मी से भिड़ा युवक, फाड़ी वर्दी। नोएडा में कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।